जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज प्रोलोगस क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर टू पार्ट वन एपिसोड नंबर 7, यानी 6 एपिसोड हमारा हो चुका है रियल नंबर पे। तो अभी आपको कुछ हम मैथमेटिशियन से मिलाना चाहूंगा। ये श्रीनिवासन रामानुजन साहब हैं जिन्होंने प्रोनोमियल्स में सिंथेटिक डिवीजन को दिया। तो सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यह जो देने वाले हैं, चूंकि तुम 8-9 में भी प्रोनोमियल्स पढ़ा है, तो यहां पर तुम्हारे पास सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है, इसकी हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता दें, फिर डिटेल में भी होगी। तो पीएक्स इज इक्वल टू अगर xsq और 3x² 5x+7 है। अगर आपको P2 की वैल्यू निकालना है, यानी यहां पर आप 2 रख दोगे। अब यहां 1 है, 1 2 2 -1, यहां -2 यानी 3, और 3 2 6 यानी 13, यानी P2 का वैल्यू 13 होगा। दूसरा, इन्होंने एक कंसेप्ट को सिखाया था कि Px इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है x³ - 3x² 5x+7, और x - 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंथेटिक डिवीजन करें। यानी इसी से आप आंसर यहां लिख सकते थे कि जो qx का जो वैल्यू होगा वो x² - x+3, और रिमाइंडर की जो वैल्यू होगा वो 13 होगा। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं दूसरे पेन से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे दूसरे पेन से, तो यहां पर सबसे पहले x² वर्ग में लगेगा, तो यहां x³ - 2x² हो जाएगा। अब इसको जब हम कट करेगा तो -x² 5x हो जाएगा। अब -x² में लगाएंगे अभी तो -x² + 2x, इसकी घटाएंगे तो 3x हो जाएगा और यहां 7 हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हारे पास 3 बार में लगेगा तो 3x - 6 7 6 13 हो जाएगा। यानी क्या है, रामानुजन साहब इनके बारे में जान गए। अब ये चैप्टर में सिंथेटिक डिवीजन लेके आएंगे, तो इंट्रोडक्शन क्लास आपका अभी चल रहा है। ये जो है महान गणितज्ञ डिस्कास्त्रा साहब हैं। डिस्कास्त्रा का अगर कहा जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ इन्होंने ही दिया है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना है तो यहां पर डिस्कास्त्रा का मेथड को सीखना होता है। अगर हमारे पास मैथमेटिशियन है जो आपका प्रोनोमियल्स में लीनियर पर वर्क किए हैं, वो है गौस साहेब। ये गौस साहेब के बारे में हम लोग सीखेंगे कि अगर लीनियर को कैसे उन्होंने सॉल्व करना सिखाएगा, ये चीज को हम लोग सीखेंगे। और ये श्रीधर आचार्य साहब हैं जो क्वाड्रेटिक प्रोनोमियल्स को सिखाए हैं। क्वाड्रेटिक प्रोनोमियल्स को सिखाने वाले श्रीधर आचार्य साहब हैं। आगे ये रेन डिस्कार्ते साहब हैं, और रेन डिस्कार्ते की अगर हम बात करें तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिखाए हैं, और कार्डोनो साहब की बात करें तो वह आपका क्यूबिक को सिखाए हैं, या फेरारी साहब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिखाए हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर इसकी बात को करेंगे तो सिंथेटिक डिवीजन जो है, ये जो है रुफिनी साहब भी सिखाए हैं। अब यहां पर अब हम लोग बातचीत करने आ गया, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे कि प्रोनोमियल्स है क्या, इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रोनोमियल्स की अगर हम चर्चा करें तो एकदम सिंपल सी लॉजिक है। अगर वेरिएबल टू दी पावर, वेरिएबल टू दी पावर, वेरिएबल टू दी पावर अगर होल नंबर है तो वह प्रोनोमियल्स है। वेरिएबल टू दी पावर अगर होल नंबर है तो प्रोनोमियल्स है, और उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वह आपका डिग्री कहलाएगा। जैसे पहला आपका आया, ये देखिए कॉन्स्टेंट है, यानी एक्स के पावर यहां 0। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे कि यहां कॉन्स्टेंट के बारे में आपका दो कंडीशन लेगा।
अगर सी का वैल्यू जीरो नहीं है तब इसकी डिग्री जीरो काउंट होगा, और सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए जिसे हम जीरो प्रोनोमियल्स भी कहते हैं, तो उस केस में जीरो इंटू एक्स के पावर वन, फिर जीरो इंटू एक्स के पावर टू, जीरो इंटू एक्स के पावर थ्री और जीरो इंटू एक्स के पावर फोर, यानी इसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टेंट प्रोनोमियल्स की डिग्री क्या है, तो आपको सबसे पहले वेट करना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू है क्या। अगर सी नॉट इक्वल जीरो है, सी नॉट इक्वल जीरो है तो उस केस में डिग्री जीरो होगा, और सी इक्वल जीरो है तो डिग्री जीरो नहीं होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे लीनियर के बारे में, तो यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू यहां पर एक्स प्लस बी है, तो यहां मैक्सिमम पावर वन है, तो इसको लीनियर प्रोनोमियल्स कहते हैं। अब यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर बी एक्स प्लस सी है, तो क्वाड्रेटिक प्रोनोमियल्स कहते हैं। अब यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू यहां पर एक्स क्यू और यहां पर बी एक्स स्क्वायर और यहां सी एक्स प्लस डी है, तो यह आपका क्यूबिक इक्वेशन हुआ। और यहां पर पी एक्स इक्वल टू एक्स फोर और बी एक्स क्यू और यहां पर सी एक्स स्क्वायर और यहां पर डी एक्स प्लस ई, तो यह बाई क्वाड्रेटिक हुआ। इसी ढंग से यह आपका बढ़ते चला जाएगा। यानी यहां पर पी एक्स इक्वल टू अगर हम बात करें तो एक्स के पावर फाइव और यहां पर बी एक्स फोर और यहां पर सी एक्स क्यू और यहां पर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ई एक्स प्लस एफ इक्वल यहां पर जीरो। यह बात आपको अच्छे से करने आ गया है, तो यहां पर देखेंगे कि यह बात आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। यानी एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का हम लाइन बाय लाइन सोल्यूशन डालेंगे। Which of the following expression are pronomials in one variable and which are not? State the reason your answer. पहला अगर हम बात करें तो यह आपका pronomials है, क्योंकि इसका भी पावर दो है, इसका पावर एक है और इसका पावर जीरो है, यानी होल नंबर पावर है। अगर यहां पर यह भी pronomials है, चूंकि यहां पर ये y के पावर जीरो है, ये भी प्रोनोमियल्स है, लेकिन यह प्रोनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर t की पावर हाफ है, और चूंकि होल नंबर होता है तो ये आपका ये प्रोनोमियल्स नहीं है। अगर आपको यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर y स्क्वायर प्लस 2 बटे y है। यानी यहां पर देखेंगे कि ऊपर तो 2 है, ये 0 है और यह y का पावर माइनस 1 है, इसलिए प्रोनोमियल्स नहीं है। चूंकि आपको यहां पर होल नंबर बताया गया था, यह बात को आपको क्लियर है, यह प्रोनोमियल्स है। लेकिन यहां पर 1 वेरिएबल का नहीं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल का है, तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट निकालना है। तो यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर है और इसकी कोफिशिएंट 1 है, और यहां पर एक्स स्क्वायर है और इसकी कोफिशिएंट माइनस 1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देखोगे तो पाई बाई 2 है, और यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है अर्थात 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पर रूट 2x माइनस 1 है, यानी यहां 0 है। यानी इससे प्रोनोमियल्स का दो टाइप की बात होगी, एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो यह कंप्लीट है। कंप्लीट होने का कारण क्या है कि 2 पावर 1 पावर 0 पावर है, ये कंप्लीट है। लेकिन यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 है तो यह इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां पर हम इसको कंप्लीट बनाने के लिए एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स और यहां पर तुम्हारे पास माइनस 5, तब यह कंप्लीट है। यानी कब कंप्लीट है और कब इनकम्प्लीट है, यह बात को भी यहां पर जानने की जरूरत है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि गिव वन एग्जाम्पल इच बाइनोमियल ऑफ
35 डिग्री, मैंने 35 डिग्री का आपको एक एग्जांपल देना है, यानी यहां पर एक्स के पावर 35 डाल देंगे, बाइनोमियल कह रहा है तो 5 कर दिया, यानी दो टर्म आपका होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। इसी ढंग से मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका 100 डिग्री हो, तो यहां पर एक्स के पावर 100 कर देंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपके हाथ में आपको जो है टाइप ऑफ प्रोनोमियल्स की बात करेंगे, तो अगर टर्म के अनुसार करेंगे, टर्म के अनुसार करेंगे तो अकॉर्डिंग टू टर्म, अगर टर्म के अनुसार करेंगे एक टर्म रहेगा मोनोमियल्स कहलाएगा, दो टर्म रहेगा बाइनोमियल कहलाएगा, तीन टर्म रहेगा ट्राइनोमियल कहलाएगा, और ये चार टर्म रहेगा तो यहां पर टेट्रानोमियल कहलाएगा, पांच टर्म रहेगा तो पेंटानोमियल कहलाएगा। यह आपको करने आ गया, यानी यहां पर एक टर्म कुछ भी लिख दो तो अब तुम्हारे पास आ गया। अगला हमारा डिग्री के अनुसार, अगर हम देखें डिग्री के अनुसार देखें तो यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, यह जानना आपको जरूरी है। अगर उसके डिग्री जीरो है तो वह कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहलाएगा और सी नॉट इक्वल जीरो कहलाएगा। अगर उसका मैक्सिमम पावर 1 है तो यह लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा, और मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाएगा, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा, मैक्सिमम पावर 4 है तो यहां पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर भी आराम से बना सकते हो। इस टाइप के अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ऐसा आप एग्जाम्पल दो जो ट्राइनोमियल हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो एक्स स्क्वायर 5x+6, अब एक गौर से देखो कि यह जो है आपका ट्राइनोमियल है 1, 2, 3 है और डिग्री आपका 2 है, यानी आपको यह अच्छे ढंग से समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप बिल्कुल बेहतर ढंग से आप सीख चुके हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द जो है फॉलोइंग प्रोनोमियल्स को लिखना है, तो यहां पर गौर से देखो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम डिग्री इसका 3 है, अब इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है तो यहां पर 2 है, यहां पर मैक्सिमम डिग्री क्या है तो 1 है, यहां पर नहीं है यानी यहां पर एक्स के पावर 0 है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन उसको देना चाहिए था कि अगर पीएस इज इक्वल टू यहां पर तुम्हारे पास 5 है तो यह 0 डिग्री होगा, और छठा नंबर क्वेश्चन यहां पर डालना चाहिए था कि पीएस इज इक्वल टू यहां पर 0 है तो यहां पर डिग्री अनडिफाइंड है। काहे अनडिफाइंड है, यह 0 को तुम लिख सकता है 0 एक्स के पावर 1, यहां पर एक्स के पावर 2, यहां पर एक्स के पावर 3, यहां पर एक्स के पावर 4 और यहां पर एक्स के पावर 5, शो ऑन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हारे पास क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब गॉस साहब को देखना है, यहां दिस इज द लीनियर, यानी जी पहले डिग्री डिफाइन कर दो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी भी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। और लीनियर का डिफिनेशन होता है, लीनियर का डिफिनेशन होता है डिग्री जिसका डिग्री ऑफ प्रोनोमियल्स 1 हो। 1 वाला इसमें कौन कौन है आपको आ गया, पहला 1+x यानी 4 नंबर, और फिर 5 नंबर 3t। अब तुम्हारे पास लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक की बात आती है, यहां पर क्वाड्रेटिक की बात आती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री प्रोनोमियल्स आपका 2 होना चाहिए, और 2 वाला में कौन कौन है, x² + x, फिर 3 नंबर पर है y + y² + 4, और 6 नंबर पर है r². अब बात हुई क्यूबिक के बारे में, क्यूबिक प्रोनोमियल्स कौन कौन है, यानी d
डिग्री ऑफ प्रोनोमियास थ्री होनी चाहिए। तो थ्री में आपका पहले दो नंबर है x माइनस एक्स क्यू और यहां पर छह नंबर है सेवन एक्स क्यू। तो हमको लगता है कि तुमको करने आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहां तक तुम्हारे पास तो आ गया, यहां तक समझने में अगर किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ हुआ है तो पता चलेगा कि तकलीफ तो नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोनोमियल्स में जो पहला आपको पहचानना है, यहां पर ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपको करना होगा कि जब टेंथ क्लास में जाओ तो तुम्हारे पास आ जाए समझ में। ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। अगर पीएस इज इक्वल टू फाइव है तो ये टेबल लोगे तो ई एक्स और यहां पर पी एक्स, जीरो रखोगे तब भी पांच, वन रखोगे तब भी पांच, टू रखोगे तब भी पांच, थ्री रखोगे तब भी पांच, चार रखोगे तब भी पांच, पांच रखोगे तो पांच। ये कांस्टेंट प्रोनोमियल्स हो गया, यानी कांस्टेंट प्रोनोमियल्स का ग्राफ आपको आ गया। अगर तुम्हारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, यहां पर टेबल ले लिया एक्स पी एक्स, जीरो रखने पर फाइव, वन रखने पर सिक्स, टू रखने पर सेवन, एट, फोर रखने पर नाइन। एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। यहां जीरो रखने पर फाइव है, वन रखने पर सिक्स है, टू रखने पर सेवन है, थ्री रखने पर एट है, फोर रख पर नाइन है। यह लाइन तुम्हारे आ गया, इसको लीनियर बोलते हैं। अब चूंकि यहां पर तुम स्लोप से, चूंकि फिजिक्स तुमको समझना होगा, तो यहां देख रहे हो कि स्लोप पॉजिटिव में है इसलिए लीनियर इंक्रीज है, यानी यहां पर कोफिशियंट ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो इंक्रीज करेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव ले लेते हैं। अब इसका ग्राफ खींचो, जीरो रखने पर फाइव हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो तुमको दिखा दे रहा है या देख रहा है स्लोप निगेटिव हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, यानी यह आपका डिक्रीज कर रहा है, यानी यह पता तुमको लगाना पड़ेगा कि कब इंक्रीज कर रहा है और कब आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब तुम्हारे पास तीसरा, यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। यहां पर देखो इसकी ग्राफ ऐसा है, क्योंकि अगर टेबल बना के भी लेना चाहोगे तो तुम टेबल को बना सकते हो। ये एक्स हो जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा, जीरो रखने पर जीरो हो जाएगा, वन रखने पर वन का, टू रखने पर फोर, माइनस वन रखने पर वन, माइनस टू रखने पर फोर। यानी यहां पर जीरो रखने पर जीरो है, वन पर वन है, यहां टू रखने पर फोर है, यहां माइनस वन, यहां ये है, तो ये आराम से आ जाएगा। इसी ढंग से अब क्यूबिक इक्वेशन का, ये आपका क्वाड्रेटिक प्रोनोमियल्स का हुआ। अगर हम क्यूबिक का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, तो ये क्यूबिक का हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। इस ढंग से ग्राफ को आप देख करके आप समझ सकते हैं कि कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। यानी यहां पर देखो कि पहले यह डिक्रीज कर रहा था, बाद में इंक्रीज कर रहा है, ये ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है। अगर यही ग्राफ ये ऐसे आ जाता, यानी तुम देख करके बता सकते हो,
यहां पर एक और बात हुआ कॉन्स्टेंट, क्या कि यहां पर तो यहां तुम्हारे पास ये आराम से निकल सकता है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप अगला हम चैप्टर में तुमको हम बताएंगे इसके आगे वाली कहानी, तो प्रोनोमियल्स का आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है, तो हम लोग यहां पर थोड़ी सी अब यहां पर हम तुमको बात करेंगे कि अपने तुम जो है आजू बाजू में यह चीज को देखने का प्रयास करो। क्या देखने का प्रयास करना है यह बात को तुमको हम बताते हैं कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो वहां पर प्रोनोमियल्स क्या होगा यह बात को तुम सोचो। जैसे आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ को ड्रॉ करें, वहां पर देखें कि यह इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर हम बात करें कि अगर यहां पर ले लो, इसमें आपका इधर ले लो डिस्प्लेसमेंट को और यहां पर ले लो टाइम को, यानी इसकी ग्राफ अगर तुम देखोगे, अगर ये ऐसे हो रहा है इंक्रीज कर रहा है और यही तुम्हारा ऐसे हो रहा है डिक्रीज कर रहा है और यही ऐसे हो रहा है कांस्टेंट है, या तुम्हारे पास ग्राफ की आइडिया तुम्हें आना चाहिए कि कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है और कब आपका कांस्टेंट है। ये आपको क्लियर करना है। अगर आप ये चीज को क्लियर कर देते हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब तुम्हारे पास देखना यह है कि यह बात तो तुम्हारे पास हो गया कि यहां पर डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ से देख सकते हैं कि कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। अब दूसरा यहां पर प्रोनोमियल्स का रियल डिफिनेशन जो होल नंबर तो बोला था वह तो सही था ही, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको मैथमेटिक्स ढंग से इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यहां पर सिंपल है ग्राफ का तरीका से कि अगर y एक्सिस का हम पैरेलल खींचेंगे, y एक्सिस का पैरेलल खींचेंगे, अगर एक बार कट गया तो वह प्रोनोमियल्स होगा। यानी अभी हम देखेंगे यहां पर नेचर करके, तो यहां पर एक कांस्टेंट का है ये वाला ग्राफ है। लीनियर का अगर हम बात देखें तो लीनियर का ये वाला है। अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखें तो क्वाड्रेटिक ये है। अगर हम क्यूबिक का ग्राफ देखें तो ये है। अब यहां पर देखेंगे कि यह बात तो सही हो गया, लेकिन अगर कोई ग्राफ को ऐसे किया और इसे खारा, सॉरी ऐसे किया ये खारा हो गया तब ऐसे चला, अगर आपका ऐसा है कि अगर कोई यहां ऐसे है, अब ऐसे चला अब यहां पर देखेंगे, तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, इसका चेक करने का तरीका वाई एक्सिस के पैरेलल खींचोगे, यानी हरा पेन ले लेते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच दिया प्रोनोमियल्स है, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच दिया प्रोनोमियल्स है, y एक्सिस के पैरेलल खींच लिया प्रोनोमियल्स है, y एक्सिस के पैरेलल खींच लिया प्रोनोमियल्स है, अगर एक बार कटेगा प्रोनोमियल्स है। अब यहां पर देखो ये y एक्सिस के पैरेलल खींचेगा तो एक से अधिक बार कट रहा है, नॉट प्रोनोमियल्स, यहां पर भी नॉट प्रोनोमियल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।